नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सिंपल ऑर्गेनिक गार्डन में। आज आपसे बात करूंगी मैं सनफ्लावर के बारे में। ये देखिए, ये दोनों मेरे सनफ्लावर हैं और ये मैं आपको कई दिनों से दिखा रही हूँ। ये खिले भी हुए हैं, कई दिन हो गए हैं और बहुत ही अच्छे जो होते हैं ये पॉलिनेटर्स भी होते हैं। ये देखिए, पूरा यहाँ से जो है बीज ने सक कर रखा है। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने पॉट्स में ऐसे लगाया हुआ है। पॉट जो है ये वाला एक तो है 12 इंच का है, 12 इंच का ही पॉट सबसे सही रहता है। और एक मैंने ये छोटी सी, बिल्कुल ये छोटी सी, इतनी छोटी सी ये बकेट है, ये प्लास्टिक की है, तो एक इसमें मैंने लगाया हुआ है। तो इसमें क्या क्या मैं केयर करती हूँ, कैसे मैंने क्या किया है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। तो देखिए, इसका ये रहता है कि इसको आप फरवरी में भी सीड से लगा सकते हैं। तो अगर आप फरवरी में जब लगाते हैं तो उसके बाद ही आपको गर्मियों में इसके फूल मिलते हैं। इसकी जो वैरायटी इसमें कई आती है, जैसे आप ये वाला साइज़ देख रहे हैं, इससे भी बड़ा वाला साइज़ आता है। सेंटर में जो है तो थोड़ा सा ब्राउन होता है और छोटे छोटे से भी फूल वाले आते हैं, कई वैरायटी आती है। अब तो मैरून कलर में भी आने लगा है। तो इसमें जो है इसको सीड से जब आप लगाते हैं तो आपको उधर मई जून में आपको फ्लावरिंग मिल जाती है। तो जब उस समय हम इसको लगाते हैं तो क्यों सूख जाता है, एक मेरे पास कमेंट आया था कि फ्लावर सूख गया। तो सूखने का कारण सिर्फ यही होता है कि ये सनफ्लावर ज़रूर है, लेकिन इतना ज़्यादा अगर हम इसको बहुत ज़्यादा धूप में रख देंगे, एकदम तेज सनलाइट में रख देंगे, तो ये सूख जाएगा। इसकी पत्तियाँ भी बिल्कुल बर्न हो जाएंगी और ये सूख जाएगा। तो सनलाइट का इस पर बहुत रहता है। जैसे कि अब इस समय जैसे जुलाई का महीना है और आज है 15-16 ऐसी कुछ जुलाई है, तो इसको जो है मैंने कहाँ रखा हुआ है, मैंने ऐसे रखा है कि यहाँ पे धूप 12-1 बजे तक तो आती है इस साइड में, ठीक है। अभी तक तो मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ था, लेकिन अब पूरा ग्रीन नेट के नीचे भी नहीं था ये, लेकिन अब ये खुला है, बिल्कुल ऐसे खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है और बिल्कुल देखिए आप, हेल्दी प्लांट है। तो सनलाइट का यही है कि इसको आप सारा दिन अगर सनलाइट में रख देंगे तो प्लांट एकदम झुलस जाएगा। इसके बाद एक प्रॉब्लम इसमें आई है और वो मैं आपको एक दूसरे वीडियो में इसका पूरा मैं आपको बताऊँगी। इसके जो पत्ते होते हैं ना, इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो इसके पत्तों के बैक साइड में यहाँ पे पेस्ट जो है वो लग जाते हैं। एक तो बरसात का मौसम है, ये बरसात में लगते भी हैं। तो मैंने इसमें एक पेस्टिसाइड जो है वो घर पे ही बनाया और मैंने उसका यूज़ किया है। और आज मैं आपको जैसे ये दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल साफ़ हैं, सारे पत्ते बिल्कुल साफ़ हैं, अभी कोई किसी प्रकार का कोई पेस्ट नहीं है इस पर। और तो वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगी कि मैंने किस चीज़ का इस पर यूज़ किया। और वैसे आप अपना इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, क्योंकि इस तरीके के जो भी पत्ते होते हैं उनमें कीड़े लगते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर जब मैंने भिंडी लगाई थी तो भिंडी के पत्ते भी बड़े बड़े होते हैं, उसके बैक साइड में भी इसी तरीके से कीड़े लग रहे थे। तो चलिए मैं वो आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी, लेकिन इसमें पेस्ट कीड़े लगते हैं, आप उसको देखते रहिएगा। ये हो गया। दूसरी चीज़ फर्टिलाइज़र की बता दूँ तो फर्टिलाइज़र इसको चाहिए होता है। फर्टिलाइज़र आप 15 दिन में एक बार अपना देते रहिए, कोई कंपोस्ट अपना दे दीजिए इसमें, और नहीं तो मैं लिक्विड बनाती हूँ जो सब्जियों का बनाती हूँ, एक बार 15 दिन में वो दे देती हूँ। कभी प्याज के छिलके का बनाती हूँ तो वो दे देती हूँ। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप ऐसा कोई चीज़ नहीं बनाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे साइड में इस जगह पे थोड़ी थोड़ी सी कंपोस्ट यहाँ पे साइड में ऐसे डाल सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आप यहाँ पे ऐसे हटाएंगे मिट्टी खाद डालने के लिए, तो जो मिट्टी निकलेगी ना, वो मिट्टी आप यहाँ पे जो इसकी रूट है ना, ये दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए, इसके साथ ऐसा होता है कि इसकी जो रूट्स है ना एकदम से बाहर दिखने लगती हैं। थोड़े दिन में ऐसा होता है इस प्लांट के साथ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता ही है। तो इसमें क्या करिए, आप जो यहाँ से मिट्टी हटाइए, फिर उसको ऐसे इसके ऊपर कवर कर दीजिए, यहाँ पे खाद ऐसे डाल के उसको ऐसे मिक्स कर दीजिए। ऐसा आप अपना
आप 15-20 दिन में एक बार इसमें कंपोस्ट अपना दे दीजिए। और इसमें देखिए मिट्टी जो भी बनाई है तो वेल ड्रेन तो बनानी है। आप अपना उसमें खाद मिक्स करके, नई कोई चीज़ है तो आपके पास गोबर की खाद है तो आप गोबर की खाद मिक्स करके इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। लेकिन पानी इसकी मिट्टी में रुकना नहीं चाहिए। जैसे अब आपको मैं दिखाऊं, आज ही जैसे हमारे यहाँ बारिश हुई थी तो ये देखिए आप मिट्टी में कहीं भी पानी कोई ऐसा आपको दिख नहीं रहा होगा कि कहीं रुका हुआ हो या कुछ हो। तो मिट्टी गीली है लेकिन यह है कि पानी रुका नहीं है। और आप जो ये देख रहे हैं ना, ये साइप्रस सब आइन के मैंने ऐसे यहाँ सीड्स डाल दिए थे, थोड़ी जैसे जगह थी तो मैंने इसको डाल दिए थे। इसको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता इसलिए, तो इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। लेकिन इस प्लांट को पानी की कमी भी नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक बार पानी दीजिए या दो बार दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मिट्टी बिल्कुल सूख गई है तो इसमें पानी आप ज़रूर दीजिए। अगर आप पानी नहीं देंगे तो प्लांट जो होता है ना बिल्कुल ऐसे झुक जाता है, ऐसे ऐसे एकदम से झुक जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाता है। तो बार 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 ऐसा नहीं है कि मर जाता है, मरता नहीं है, लेकिन हम बार 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 अगर इस तरह से स्ट्रेस देंगे प्लांट को, स्ट्रेस देंगे तो प्लांट कहीं ना कहीं उसके ग्रोथ पे असर पड़ेगा ही। तो ये हो गया वाटर का, मैंने सारी चीज़ें बता ही दी आपको। और इसमें ऐसा कुछ नहीं। हाँ, और देखिए इसके जो ये इतना देख रहे हैं ना, ये इसका ये जो इतना यहाँ पे ये सर्कल है पूरा पूरा, इतना सारा इसके अंदर सीड्स है। ये अभी सीड बनेंगे, ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर सीड्स बनेंगे, फिर उसको हम लोग कलेक्ट करके रख सकते हैं। जब मैं रखूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। और जब ये पूरा फेड हो जाएगा ये फ्लावर, तो मैं यहाँ से ये देखिए इस जगह से ये देख रहे हैं ना, यहाँ से इसको कट कर दूँगी। ये पूरा जब कट कर दूँगी तो फिर नई जगह से भी इसकी ब्रांच निकल सकती है। तो ये हो गई। और बस इसमें और ऐसा कोई चीज़ ऐसी कोई ऐसी खास स्पेशल कोई केयर टिप्स नहीं है। आइए आपको मैं चलते चलते दिखा दूँ अपने, कल मैंने देखिए रिपोर्ट किया था इस गुलाब को, है ना, ये किया था और ये वाला किया था। तो ये देखिए इसकी बड, मैं मुझे लगा कि मैं इसको हटा दूँ पर मैंने इसको कट नहीं किया है। तो ये लग रहा है मुझे खिल जाएगी, एक ये वाली बड है। चलिए दोस्तों आपको मैं अपने ये देखिए अडेनियम्स भी दिखा दूँ, बारिश में बहुत अच्छा खिल रहे हैं, फिर से सीड पॉट बन गया है। और ये मेरा आलामंडा बहुत खिल रहा है पूरा, ये देखिए खूब अच्छा खिल रहा है। और इधर ये ऑरेंज वाला टिकोमा देखिए। चले दोस्तों, चलती हूँ मैं, मिलती हूँ किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। बाय।